ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਲੋਕ ਸਿੱਖਾਂਗੇ, ਕੀਰਤਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ 9 ਸਾਰੇ ਸਲੋਕ ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਹਰਮੋਨੀਅਮ ਉੱਤੇ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹਰਮੋਨੀਅਮ 'ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ 9ਵੇਂ ਮਹੱਲੇ ਸਲੋਕ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਲੋਕ ਕਰਕੇ ਸਿਖਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜੀ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਸਕੇਲ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਲਾ, ਕੋਡ ਹੋਏਗਾ ਮਾਂ ਧਾ ਕੋਮਲ ਅਤੇ ਸਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੈ ਸਲੋ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਆਦਿ ਗੁਰੇ ਨਮਹਿ, ਜੁਗਾਦਿ ਗੁਰੇ ਨਮਹਿ, ਸਤਿਗੁਰੇ ਨਮਹਿ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦੇਵੇ ਨਮਹਿ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਸਲੋਕ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਸਲੋਕ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਦੀਨ ਦਰਦ ਦੁੱਖ ਪੰਜਨਾ, ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਆਇਓ, ਨਾਨਕ ਕੇ ਪ੍ਰਭ ਸਾਥ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਦੀਨ ਦਰਦ ਦੁੱਖ ਪੰਜਨਾ, ਕਟ ਕਟ ਨਾਥ ਅਨਾਥ, ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਆਇਓ, ਸਾਥ। ਸਲੋਕ ਬਹੁ ਸਾਸਤਰ ਬਹੁ ਸਿਮਰਤੀ, ਪੇਖੇ ਸਰਬ ਡੋਰੀ, ਕੋ ਜਸ ਨਾਹੀ ਹਰ ਹਰੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਮੋ, ਚੇਤ ਰੱਖ, ਨਾਨਕ ਨਿਭਹੀ ਨਾਲ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸਲੋਕ ਕੀਤੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਐਵੇਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਸਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, 24ਵੇਂ ਸਲੋਕ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭ ਆਰਾਧਿਆ, ਪੂਰਾ ਜਾਤਾ ਨਾਮ, ਨਾਨਕ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ, ਪੂਰੇ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਲੋਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ 9 ਉਹਦੇ ਸਲੋਕ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੇ ਹਰਮੋਨੀਅਮ ਉੱਤੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੁਣ ਲਵੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਲੋਕ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜੀ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਉਸਦਾ ਕੋਡ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਮਾਂ ਧਾ ਸ਼ੁੱਧ ਤੇ ਸਾਂ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ 9, ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਇਓ ਨਹੀਂ, ਜਨਮ ਅਕਾਰ ਜਲ ਕੋ ਮੀਨ, ਬਿਖੇ ਅਨ ਸਿਉਂ ਕਾਹੇ ਰਚਿਓ, ਨਿਮਖ ਨ ਹੋ ਉਦਾਸ, ਕਹੋ ਨ
नानक साची जान, पतते उधारन पै हरन, हर अनाथ के नाथ, कहो नानक तेह जानिए, सदा बसत तुम साथ। सो इस तरीके नाल ये सारे श्लोक पढ़ होने हैं। सो आखिर जो दोहरा करते हैं अपन, उदी टोन किवें चेंज होनी है देखो ध्यान नाल। सो जिथे असी सुखमनी साहब जी के श्लोक करते हैं उवें ही बिल्कुल दोहरा पढ़ होना है लास्ट च। देखो दोहरे का कोड चेंज हो जाएगा, धा कोमल आ जाना है। दोहरा बल छुट क्यों बंधन परे, कछु न होत उपाय, कहो नानक अब ओट हर, गज ज्यो हो सहाय। बल होआ बंधन छुटे, सब किछ होत उपाय, नानक सब किछ तुमरे हाथ में, तुम ही होत सहाय। संग सखा सब तज गए, को न निभो साथ, कहो नानक एह विपत में, टेक एक रघुनाथ। नाम रहियो साधु रहियो, रहियो गुर गोविंद, कहो नानक एह जगत में, किन जपियो गुर मंत्र, राम नाम उर मैं गहियो, जाके सम नहीं कोई, जेह सिमरत संकट मिटे, दर्स तुहारो होए। आखर च राम नाम पुर मैं गहियो, जाके सम नहीं कोए, जेह सिमरत संकट मिटे, दर्स तुहारो होए। जेह सिमरत संकट मिटे, दर्श तुहारो होए। सो इत्थे आपां इस नूं समाप्ति करनी है इत्थे श्लोक की। आओ हुण एक बार आपां इस नूं स्लो करके सीख रहे हैं, ध्यान नाल देखो। एक बार आपां सुखमनी साहब जी का पहला श्लोक सीख लेंदे हैं, जिथे पहला श्लोक होना है बाकी सारे ही श्लोक उत्थे होने हैं जी। आ देखो ध्यान नाल, कोड है मां धा सा, धा कोमल है। दीन दर्द दुख पंजना, ना देखो दीन दर्द, मां स्वर तीन बार है, दीन दर्द अगे दुख फास्ट आना, फिर दुख पंज, मां पापा धापा दुख पंजना, फिर देखो दीन दर्द दुख पंजना, कट कट नाथ अनाथ, कट कट नाथ अनाथ। सरगम रे मा मा प नी धा पा पा, नी कोमल है। कट कट नाथ अनाथ, उसके बाद शरण तुम्हारी, धा शुद्ध लगण है, धा कोमल लगण है। नी धा प शरण तुम्हारी, शरण तुम्हारी आयो, नानक के प्रभ साथ।
नानक के प्रभ नानक के प्रभ रे मा पा धा साध मा पा मा। फिर देखो ध्यान ना, दीन दर्द दुख पंजना कट कट नाथ अनाथ शरण तुम्हारी आयो। नानक के प्रभ साथ। सो इस तरह अपन सारे श्लोक कर सकते हैं। आओ हम श्लोक मतलब नौवां सीखते हैं कैसे करने हैं। इसका जो कोड है वो होगा माँ धा शुद्ध ते सा। माँ ते आना है एक ओंकार सतगुर प्रसाद। श्लोक महला नौवां गुण गोविंद गायो नहीं माँ पा धा धा पा माँ गुण गोविंद गा माँ पा धा धा पा माँ गुण गोविंद गायो नहीं। सिंपल है जी। माँ पा धा धा पा माँ गुण गोविंद गायो नहीं। जन्म अकार दो बार रिपीट होना ठीक है जी। गुण गोविंद गायो नहीं जन्म अकार कहो नानक हर। ये थोड़ा ऐड होएगा दूजी तुक विच। कहो नानक हर माँ पाधा पाधा पा माँ कहो नानक हर पज मना जेह बिद जल को मीन। फिर देखो कहो नानक हर पज मना जेह बिद जल को मीन। सो इस तरीके नाल तुसी सारा ये कर सकते हो जी। सारे श्लोक इत्थे होने हैं। अगली तो किवें बोलनी है देखो। बिखे अन्न स्यों काहे रचियो देखो। बिखे अन्न स्यों काहे रचियो निमख न होहे उदास। सेमी है। बिखे अन्न स्यों काहे नी कोमल तीन बार है। सानी नी नी बिखी अन्न स्यों काहे रचियो निमख न होहे उदास। उसके बाद सेम रिपीट होनी लाइन। माँ पाधा पाधा पा माँ कहो नानक पज हर मना परे न जम की फास। सो एवें ही सारे श्लोक होने हैं। आखिर जो दोहरा पढ़ते हैं आपको किवें करना वो भी देख लो ध्यान नाल। कोड है माँ धा कोमल सा। दोहरा बल छुट क्यों बंधन परे कछु न होत उपाय कहु नानक अब ओट हरे गज ज्यों हो सहाय। स्लो कर रहे हैं देखो ध्यान। बल छुट क्यों बंधन परे फिर देखो। बल छुट क्यों बन बंधन पर बन मा पा पा धा पा बंधन परे कछु न होत उपाय कछु न होत उपाय कहु नानक अब ओट हर
लिखो ये वाला पार्ट। कहो नानक अब ओट हर गज ज्यों हो सहाय, गज ज्यों हो सहाय। अगे थे उन्हें है बल होआ बंधन छूटे, सब किछ होत उपाय। नानक ऐसी बोलना है, नानक सब किछ तुमरे हाथ में, तुम ही होत सहाय। सो इस तरह अपन नौवें मल्ल श्लोक कर सकते हैं जी, बहुत ही आसान है जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।